जिस तरह से यहाँ पर फाजिल जी आप अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोल रहे थे कि भाई संविधान के अनुसार ही काम होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोगों की भावना है, क्या लोगों की भावना का सम्मान फिर साथ में नहीं होना चाहिए? कि मान लीजिए मुस्लिम धर्म की कुछ भावना है, उसका सम्मान इस देश में होना चाहिए। कानून तो आएगी ना अपनी जगह पर, लेकिन क्या कुरान और रामायण की जो भावना है, जो उसको मानने वाले लोग हैं, क्या उनकी भावना का फिर सम्मान नहीं होना चाहिए? मेरा घर बहुत अच्छा है और आपकी भावना है कि आप चाह रहे हैं वो घर हम दे दें आपको, तो दे देना चाहिए हमको, क्योंकि आपका घर बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद आ गया। मेरी भावना है कि ये आप मुझे दे दीजिए तो हम दे देंगे आपको, या आप हमको दे देंगे तो ठीक है। फिर यही नियम फिर आपके ऊपर होना चाहिए लागू। संविधान इस देश का संविधान सुन लीजिए, इस देश के संविधान संविधान सबके लिए है ना। रामायण में वर्ण व्यवस्था कहा गया है कि ऊंच नीच कहा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कहा गया है। संविधान में कहा गया क्या ये बात? तो हम संविधान माने कि रामायण माने, रामचरितमानस माने कि संविधान माने? आपको अच्छा कौन है? धर्म के लोगों में वर्ण की बात मैं आपको ठीक कर दूं, मैं आपको ठीक कर दूं। देखिए यही होता है ना कि आप उस बात को जानबूझकर यहां पर घुमाना चाहेंगे। वर्ण व्यवस्था की बात, वर्ण व्यवस्था की बात। एक सेकंड ना भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अविरल जी, अविरल जी, एक सेकंड, अविरल जी, एक सेकंड, अविरल जी, फाजिल जी, मालूम है आपको वर्ण व्यवस्था की बात कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई है वर्ण व्यवस्था की बात? बताएंगे आपको। चार वेदों में से एक ऋग्वेद है, उसमें पुरुष सूक्त है, उसके दसवें मंडल में अध्याय है, उसमें उसका जिक्र हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है? अरे ब्रह्म क्षत्र और वेश, ये वर्ण थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो जातियां हैं। आप क्या क्या जातियां हैं? ब्रह्म क्षत्र और वेश, ये तीन वर्ण थे, पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। आप जाइएगा भैया, पहले बार देखिए तो सही। शुक्ला जी, अरे छोड़िए ना, आप इस बात को, आप एक बात पर आइए। अरे एक बात आइए ना, अरे वो तो मैं हूँ ही ब्राह्मण भाई, इसमें क्या हो गया? कि कर्म से है। किसमें? कैसे ब्राह्मण है आप? आप फिर क्या है? आप जो ब्राह्मण हुए, आप जन्म से, अब आप व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आ गए। अरे जिस तरह से आप जन्म से मुसलमान है, उसी तरह से जन्म से मैं हिंदू हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अविरल जी, एक सेकंड, अविरल जी, एक सेकंड, फाजिल जी, मैं ठीक वैसे ही हिंदू हूँ जन्म से, जैसे आप जन्म से मुसलमान हैं। जिस तरह से आप अहमद हैं, उस तरह से मैं शुक्ला हूँ। इस बात की इतनी व्याख्या करनी पड़ेगी क्या? आप ब्राह्मण है ना, फिर वही बात। तो आप जन्म से ब्राह्मण हैं, आप अपनी बात सुनना नहीं चाह रहे ना? मतलब आप जन्म से मुस्लिम हैं, आप जन्म से अहमद हैं, उसी तरह से, उसी तरह से, उसी तरह से मेरा भी जन्म एक, अरे इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। पर्सनल तो आप हुए ना इसमें, ब्राह्मण है या कर्म से ब्राह्मण है? पर्सनल तो आप हुए ना इसमें, प्रश्न मैंने भी आपसे सेम मैंने पूछा, आप भी जन्म से मुस्लिम है ना? अच्छा काम करे, वेद उद पढ़ लेता हो, अरे उसके बाद उसको आप भी, आप भी, आप भी बाई चॉइस मुसलमान हुए क्या? बाई चॉइस मुसलमान हुए आप? बताइए ना मुझे, आप उस चीज की मुझसे व्याख्या मांगिए ना। व्यवस्था नहीं है, फिर वही बात, फिर वही बात हमारे यहाँ नहीं है, फिर वही बात है। आप बाई चॉइस मुस्लिम हैं और हमारी कुरान दोनों ही, फिर वही पर्सनल हो जाएंगे इसमें। कुछ चीजें, कुछ चीजें अगर, फिर वही बात, अरे बहुत बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति को समझाना जो सुनना ही ना चाहता हो। अमेरिकी नागरिक अगर, फाजिल जी, फाजिल जी, फाजिल जी सुनिए तो, एक परवेज जी, सबसे कम मैं बोल रहा हूँ, सबसे कम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे। देखिए मैं जन्म से मुस्लिम नहीं हूँ, कर्म से मुस्लिम हूँ। अगर मैं, मेरा नाम परवेज निजामी की जगह मोहम्मद निजामी भी होता तब भी मैं मुस्लिम नहीं होता, अगर मैं एक ईश्वर की उपासना ना करूँ, उसकी आज्ञा का पालन ना करूँ। मोहम्मद साहब ने कहा था, अगर तुम्हारा पड़ोसी को अगर तुम सताते हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो तुम आज्ञा, जनसंख्या की बात को, जनसंख्या की बात को कहां से कहां आप लोग चले गए और उन बातों का उत्तर यहां पर ढूंढ रहे हैं टीवी चैनल में बैठकर। परवेज जी एक सेकंड, परवेज जी एक सेकंड, परवेज, अरे बोल तो फाजिल जी रहे थे ना, उनको बोलिए ना। जन्म से कोई नहीं होता, तो फिर कौन होता है? तो फिर क्या होता है? कर्म से होता है। अच्छा जी, मैं गोरा पैदा हो जाऊँ, मैं काला पैदा हो जाऊँ, अरे वाजी वाह, वाजी वाह, वाजी वाह, ये नई थ्योरी आपकी सुनी, अरे नई थ्योरी अब आपकी भाई सुनी, नई थ्योरी अब आपकी सुन ली। पैदा हो गया इसमें, मेरा क्या कमाल है? अरे बाई चॉइस कोई भी नहीं है भाई, क्या कमाल है?
ये ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, ये उस अल्लाह की मेहरबानी है मेरे ऊपर, लेकिन इस आधार पर मैं ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। फिर वही बात होता है, आप लोगों को कुल मिलाकर, आप लोगों को कुल मिलाकर जनसंख्या पर बात करने के लिए कुछ है नहीं, तो आप उस चीज का उत्तर यहाँ पर टीवी चैनल में बैठ के ढूंढ रहे हैं जिसका उत्तर ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था। आप यहाँ पर जनसंख्या पर उत्तर देने आए थे कि यहाँ पर ये बताने आए थे कि कौन किस घर में पैदा होने के बाद फिर क्या हो जाता है, इसका उत्तर यहाँ पर बच्चा जानता है, पांचवी क्लास का बच्चा जानता है। चिल्लाने से हो जाएगा कुछ यहाँ पर नहीं, चिल्लाने से हो जाएगा कुछ कि 22-24 आदमी पैदा होता है। आपकी चॉइस थी किस घर में आप पैदा होंगे, आपके आखिर माता पिता कौन होंगे, 22-24 है ये बिल्कुल। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, कुछ भी अब आप बोल रहे हैं बैठ के, आप अपनी ही बात को गलत साबित कर रहे हैं ना बार बार, आप अपनी बात गलत साबित कर रहे हैं, आप कर रहे हैं नहीं नहीं आपने, अरे 22-24 कुछ चीजें नहीं होती हैं, भारत के अंदर पैदा होना आपकी चॉइस थी, भारत के अंदर पैदा होना आपकी चॉइस थी, ईश्वर की चॉइस थी, ये मेरा गर्व है मुझे, आपको चॉइस थी, मतलब आपसे पहले अल्लाह ने पूछा आपसे वहाँ पैदा किया कि मैं आपको हिंदुस्तान के अंदर भेज रहा हूँ जाइए, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग बैठ के, अरे बात जनसंख्या की हो रही थी, आप जाकर कुछ और बताने लग गए ज्ञान, जब सबसे अपने सबसे पहले वैसे जी आपका वीडियो देखेंगे सच में वो भी थोड़ी देर तक सोचेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप अरे वैसे जी अगर आपका ये वीडियो देखेंगे वो भी खुद 5 मिनट तक सोचेंगे कि आप आखिर कहना क्या चाह रहे हो, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं अल्लाह का शुक्र है। चलिए ठीक है फिर, अच्छी बात है, समय हमारा पूरा हुआ, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, हालांकि तार्किक बहस की आप सभी ने कोशिश की लेकिन थोड़ी व्यक्तिगत और थोड़ी सामाजिक संवादों के बीच में चर्चा थोड़ी सी डिरेल जरूर हुई, लेकिन जनसंख्या के लिए इसी तरह से आप सबको बैठकर विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक दो अन्य धर्मों के समुदाय या जितने भी धर्म भारत में सेलिब्रेट होते हैं उन सभी के धर्म गुरुओं को, उनको मानने वाले या भारत के सभी नागरिकों को इस समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि अगर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी रही और अगर इसमें संतुलन नहीं बनाया गया तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट के साथ साथ सामाजिक संकट भी भारत के ऊपर मंडरा रहा है। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ, नमस्कार। हम मोहन भगवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए।